हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस इंजीनियर। गाइस, आज का टॉपिक अपना सिंगल फेस इलेक्ट्रो डायनोमीटर पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर जो होता है वो हमारा मोस्टली यूज होता है पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए। वो अपना लीडिंग है या फिर लैगिंग है। ओके, तो हमारा पावर फैक्टर जो सिंगल फेस इलेक्ट्रो डायनोमीटर होता है वो कैसे वर्क करता है और कैसे हमें पता चलता है कि हमारा जो लोड है वो लीडिंग है या लैगिंग है, तो हम आज इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये हमारा फिक्स्ड कॉइल है जो कि कनेक्टेड है हमारे लोड के साथ और यहाँ पे एक मीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने दो मूविंग कॉइल ले रखी है। एक मूविंग कॉइल का हमने नाम ए दे रखा है, एक मूविंग कॉइल को हमने नाम बी दे रखा है। एक मूविंग कॉइल हमारी हाईली रेजिस्टिविटी है, एक हमारी मूविंग कॉइल हाईली इंडक्टिव है और कैपेसिटिव है। हाईली इंडक्टिव और कैपेसिटिव हमें यह बताती है कि हमारा लोड किस तरह लीडिंग में है या लैगिंग में है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। हाईली इंडक्टिव और कैपेसिटिव लीडिंग और लैगिंग को शो करने के लिए यूज की जाती है। जब हमने यहाँ से सप्लाई दी तो हमारा करंट कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये हमारी मूविंग कॉइल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। मूविंग कॉइल हमेशा मूव करेगी, फिक्स्ड कॉइल हमेशा फिक्स्ड रहेगी। जब हमने यहाँ सप्लाई दी तो कुछ सप्लाई इधर गई, कुछ करंट मीन्स यहाँ पे गया, कुछ करंट इधर आया। तो जो करंट यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल के पास आया है, ये फिक्स्ड कॉइल के अंदर वो एज अ मैग्नेटिक मैग्नेट बिहेव करेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स इंड्यूस होंगे जो कि हमारी मूविंग कॉइल के अंदर से करंट पास होगा। मूविंग कॉइल के अंदर से करंट पास होगा, मूविंग कॉइल के अंदर से करंट पास होगा तो हमारी मूविंग कॉइल के अंदर टॉर्क भी इंड्यूस होगा। टॉर्क जब इंड्यूस होगा तो हमारा पॉइंटर मूव नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा उस समय मूविंग कॉइल जो है बैलेंस कंडीशन में नहीं होगी। जब हमारी मूविंग कॉइल बैलेंस कंडीशन में होगी तब हमारा पॉइंटर मूव करेगा और हमें रीडिंग शो करेगा। तो मूविंग कॉइल कब बैलेंस कंडीशन में होगी? जब हमारा डिफ्लेक्टिंग एंगल इक्वल होगा पावर फैक्टर और टॉर्क पावर फैक्टर एंगल के। ओके, तब हमारा मूविंग कॉइल मूव करेगी और हमारा पॉइंटर हमारे मूविंग कॉइल के सेंटर पॉइंट से अटैच है तो हमारा मूविंग कॉइल वो सॉरी हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा। हमने यहाँ पे मूविंग कॉइल ए जो है हाईली रेजिस्टिविटी ले रखी जो कि हमने कनेक्ट कर रखी है लोड के साथ, और इस जगह ने मूविंग कॉइल बी जो ले रखी है वो हाईली इंडक्टिव और कैपेसिटिव ले रखी है जो कि हमने कनेक्ट कर रखी है लोड के साथ, और हम इसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज नहीं करते हैं। एयर फ्रिक्शन और डैम्पिंग का ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें मूविंग कॉइल दोनों मूविंग कॉइल एक दूसरे को कंट्रोलिंग टॉर्क देती हैं, इसलिए हम इसमें यूज नहीं करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको हम और वीडियो प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट हों। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।